Hey guys, welcome to my channel. Thank you so much for joining me. And in this video, I'm gonna check for you people personality of Sumbul's father. Okay, so what are his strengths, weakness? We will know through this reading. उसके पिताजी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, जैसे कि सब लोगों में होता है. तो चलिए देखते हैं. Dear angels, can we please know? The fans, please know. Emperor की energy, two of cups in reverse. Personality of Sumbul's father. Personality of Sumbul's father. Anything coming for fans? Oh my goodness! फिर से ये card आया है, but this is reverse. Emperor in reverse will make a person very stubborn and very egotistic. You know, हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है. You know, Emperor, this is a high Aryan energy, very egotistic, very you know driven by ego, and उसे जो सही लगता है वही लगता है. And he is also Emperor वो होता है अगर right upright आए तो this is a person. The emperor becomes the person for his family, for his kingdom. ठीक है, emperor कौन होता है? वो kingdom का बादशाह होता है, more than a king. और वो उसकी जिंदगी उसके प्रजा के लिए समर्पित रहती है. You know, his life, his experience, his whole kingdom is for his family, importantly for his people. Over him, over which he rules, over whom they rule, over which he rules. But opposite me, this all goes out of the window, and here he becomes self-centered, egotistic. Uska apna needs important becomes more important than the need of the family or the need of the praja. Okay, and this energy is sitting right there in the center. Shuffle karte vakt, you saw how this popped in, and finally how it dropped in. So this all makes it very, very, very important. Page of Pentacles, yes. Ye emperor jo hai, however, is not very established money wise. Okay, to ego hai, ghamand hai, strong personality hai, ambitions hai, har cheez hai, money ki har cheez hai. Lekin Page of Pentacles. Okay, let's take out all the cards and then we will read. Wheel of Fortune in reverse. Yeah, apne aap ko establish shayad nahi kar paaye hain wo. Theek hai, बाकी सारी चीजें हैं. और एम्परर कौन होता है? जो यू नो एम्परर इज समबडी हु सीज देमसेल्व्स एज एन एम्परर, एंड एम्परर इज अबव द किंग. तो एक हाई एम्बिशन, यू नो एम्परर यूजुअली वो होता है जिसने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव की रहती है. लेकिन यहां पे पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इसको क्रॉस कर रहा है. तो आप यहां पे एम्परर तो है लेकिन इसका कोई किंगडम नहीं है, आप ये समझ सकते हैं. तो बस एम्परर वाली एटीट्यूड है, पर एम्परर का किंगडम यहां पे नहीं है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, स्टिल स्ट्रगलिंग. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून एट द बैक ऑफ द सबकॉन्शियस लेवल में क्या है? दिस इज थिंग्स नॉट वर्किंग आउट इन हिज लाइफ, राइट? क्योंकि यहां पे एम्परर तो बन गए हैं पर व्हील फॉर्च्यून नहीं है, किंगडम नहीं है. तो वो चीजें हैं. चलिए आगे बढ़ के आगे सारे कार्ड्स को निकाल के हम समझने की कोशिश करेंगे. थ्री ऑफ कप्स इन कॉन्शियस लेवल पे, लेट्स कीप इट देयर. सेवन ऑफ सोर्ड, ओ माय गुडनेस. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स मेक्स हिम अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन, एंड यू नो विद अ फेमिनाइन एनर्जी ऑल्सो. Always very unhappy with things. All right, back of the deck में check करेंगे. Yes, yes, yes. ठीक है. तो यहां पे एम्परर पे काफी रोशनी डाल चुकी हूं यहां पे. बट जैसा मैंने बताया कि एम्परर वाली सारी एटीट्यूड है, विजन है, ख्वाहिशें हैं. एम्परर चाहता है कि उसका एक किंगडम हो. तो हमें लगा भी कि यहां पे शायद उनका किंगडम होगा, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, बैक ऑफ द डेक में पेज फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी चीजें हमें ये बता रही हैं कि इन शॉर्ट
एम्परर का किंगडम नहीं है. ओके, सम हाउ ही वर्कड वेरी हार्ड बट उनको वो किंगडम नहीं मिल पाया. तो एज एन एम्परर उनका जो विजन था, इम्पॉर्टेंटली जो एम्बिशन था, एंड यहां पे रहता तो अगर नहीं मिलता तभी भी ठीक था, लेकिन क्या है कि मेहनत भी किया तो नहीं मिला है, तो दिस इज समथिंग दैट इज हिज ओन वूंड नाउ, यू अंडरस्टैंड. अब क्योंकि इतनी मेहनत की है और शायद ये बंदा अपने लिए ये सारी चीजें चाहता था, तभी तो उसने मेहनत किया है. ये अपने आप को एम्परर की तरह देखता है और एम्परर वो होता है जो उसने अपने लाइफ में ये सारी चीजें अचीव करके बैठ गया है. पर यहां पे मेहनत हुई है लेकिन वो जो चीज अचीव करना चाहते थे वो अचीव नहीं हो पाया है. क्वाइट पॉसिबली वो अपने एम्बिशंस को अपनी बेटी के थ्रू शायद पूरा कर रहे हैं, जैसा कि पता चलता है. यू अंडरस्टैंड, बिकॉज एम्परर ऑलवेज हैज अ किंगडम एंड हियर ही हैज नो किंगडम. फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज अ लैक ऑफ मनी, स्टिल स्ट्रगलिंग इन हिज करियर प्रोबेबली विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. चीजें कभी वर्कआउट नहीं हुई, चीजें कभी वर्कआउट नहीं हुई, एक सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है इनका, जो कि उनको पता है कि ब्लॉक नहीं हो पाई है और शायद इसीलिए वो अपने एम्बिशन को बाकी लोगों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं. एनीवेज, सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट. उनको ही तो एक जबरदस्त इच्छा है, यू नो. एम्परर का यहां पे विजन होता है, एम्बिशन होता है, और यहां पे बैक ऑफ द डेक में यू नो दैट इज समथिंग दैट ही रियली वॉन्ट्स. He wants to come out of this lack. जो five of pentacles की energy है ना इनके मन मस्तिष्क में, चीजें workout नहीं हुई, and he wants to come out of this. He has worked hard in the past, लेकिन चीजें हो नहीं पाई हैं. Anyways, काफी मिलनसार हैं ये वैसे तो, you know, काफी लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है इनको. आई थिंक शी इज ही इज क्वाइट, आप बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों एनर्जी है ना इनकी, तो कॉन्शियस लेवल पे वो काफी मिलनसार आप बोल सकते हैं. पार्टीज में जाना, बाहर इधर उधर मिलना जुलना, यू नो ही इज वेरी गुड विद दैट. सो काफी फ्रेंडली पर्सन, बातचीत करने में ही इज नॉट शाई, ही इज नॉट लाइक कि किसी के, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि आप ही लोग बोलते हो कि सुम्बुल के बीबी बिग बॉस में भी गए थे, वहां पे भी बातचीत की, तो ही इज वेरी आउट गोइंग पर्सन. पार्टी शार्टी करना, बातचीत करना, उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती है, वो आराम से किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग से बात कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इंटरपर्सनल स्किल्स काफी अच्छा है. However, उनका जो एटीट्यूड है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स के अपसाइड होने से थोड़ा नेगेटिव हो गया है, एज इन कि यू नो थोड़े अटेंशन सीकर उनकी एटीट्यूड. देखो यहाँ, और ये दोनों एटीट्यूड क्या है, एक दूसरे को ही यू नो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर. कॉन्शियस लेवल में ही इज वेरी फ्रेंडली पर्सन, ही कैन टॉक टू एनीबडी, किसी से भी बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हंसी मजाक बहुत अच्छे से कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन है कॉन्शियस लेवल में, लेकिन इनका जो एक एटीट्यूड है ना जो कि इनको नेगेटिव बना देता है, वो है इनका क्वीन ऑफ वॉन्स वाला एटीट्यूड, यानी कि थोड़ा सा गर्लिश बिहेवियर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड है क्वीन ऑफ वॉन्स एंड रिवर्स के साथ, जो कि इनके पॉजिटिव साइड को भी नेगेटिव बना देता है, क्योंकि एक अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड है यहाँ पे. शायद अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड इनकी जो अपनी फेलियर हुई है, शायद फेलियर बोलूँ या फिर जो स्ट्रगल था इनका अपना जो भी है किंगडम पाने के लिए, उसके कारण हो सकता है कि होगा, क्योंकि एज अ एम्परर इज अ लियो एनर्जी जो कि अटेंशन चाहता है. अब यहां पे क्योंकि इस एम्परर ने अपना किंगडम वो बना नहीं पाया है, तो अटेंशन भी शायद उतना नहीं मिल पाया है जितना कि वो चाहते थे. तो अब क्या है कि एम्परर यूजुअली गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि वो क्वीन और किंग से भी बड़ा होता है और उसने अपने लिए बड़ी सी एम्पायर बनाई है अपने मेहनत से. लेकिन क्या है कि एम्परर वाली एटीट्यूड है लेकिन एम्पायर नहीं है, तो अब क्या करें. तो यहां पे थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड है. बाय द वे, dissatisfaction with life, okay? I mean this is what it is. इनके पास तीन कप है but still he wants something. तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि कुछ पाने की इच्छा है यहां पर, you know? Queen of Wands भी she is very ambitious, she is very
एम्बिशियस, और नेगेटिव अवतार में तो शी इज मोर एम्बिशियस, दूसरों का कोई चिंता नहीं, ईगोइस्टिक ईगो है यहाँ पे भी, ये चीजें आ गई हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो क्या है, एक डिससेटिस्फैक्शन रहता है लाइफ से, जैसे कि इज ही अ पॉजिटिव पर्सन, नो ही इज, यस यहाँ पे आप पॉजिटिव पर्सन बोल सकते हैं कि किसी से भी मिलना जुलना, हर चीज बहुत अच्छे से बातचीत करना, कंफर्टेबल फील कराना, किसी भी पार्टी में ये अकेले नहीं बैठेंगे, ये चार लोगों से आराम से जाके बातचीत कर सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, ये इनकी पॉजिटिव क्वालिटी है बाय द वे। लेकिन एक अटेंशन सीकिंग क्वालिटी के कारण ये सारी चीजें शायद इनके लिए नेगेटिव बन जाती हैं। अब क्या है, लाइफ में इनके ग्रैटिट्यूड मिसिंग है, इनको लाइफ ने बहुत सारी चीजें दी हैं लेकिन हमेशा ही एक कंप्लेन करने का एटीट्यूड है इनका। ओके, तो जैसे कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, तो हमेशा कंप्लेन करते हैं, शायद ग्रैटिट्यूड नहीं है लाइफ में। ऑल राइट, और क्या हम जान सकते हैं यहां पे, देखिए सबकॉन्शियस लेवल में अपने आप को लक्की फील नहीं करते हैं ना चीजें, क्योंकि क्योंकि एज अ एम्परर हु वो बहुत एम्बिशियस थे, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, मेहनत उसने की है। ओके, सो वी विल गिव हिम ड्यू क्रेडिट, ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, ऑल द स्ट्रेंथ एंड ऑल द वीकनेस। तो मेहनत तो बंदे ने की है, लेकिन जो चाहता था एज अ एम्परर वो उतना वो अचीव नहीं कर पाए हैं। ओके, काफी स्ट्रगल एक्चुअली, काफी जितना एम्बिशन था उससे काफी कमी शायद वो अचीव कर पाए हैं, और शायद इसीलिए लाइफ में काफी एक डिससेटिस्फैक्शन है, और एंड शायद फ्रस्ट्रेशन भी है। ओके, क्योंकि जब आपके बड़े बड़े एम्बिशंस रहते हैं और उसको आप अचीव नहीं कर पाओ, तो एक यू नो इट्स मोर लाइक यू आर नॉट मेकिंग पीस विथ योर लाइफ, तो वो एक रेस्टलेस एनर्जी है। और क्या है, एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे देखो, सेवन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड भी है, और एट ऑफ वॉन्ड्स भी है, जिसको हमें अनपैक करना है इनकी पर्सनालिटी के लिए। तो हम थोड़ा सा अब यहाँ पे हेल्प ले लेते हैं अपने ओरेकल कार्ड्स का, और फिर हम अनपैक करेंगे सुंबुल के पिताजी की स्वॉट, यानी कि स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट एवरीथिंग। ओके, तो ऑल राइट, दिस वॉन्ट्स टू कम आउट, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। यस, आप समझ रहे हो, देखो आपने देखा होगा कि जो इंसान अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है ना, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, अपने आप से नहीं, अपने लाइफ में जो वो कर पाए शायद उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि बंदे ने मेहनत की थी। अब क्या होता है कि जब मेहनत करते हो तो जो चीज चाहा था, और चाह एक्चुअली विद एम्परर यू नो मे बी हिज एम्बिशंस वर वे टू हाई, क्योंकि एम्परर जो है किंग के भी ऊपर आता है, तो इनके जो एम्बिशंस थे ना बहुत ही ज्यादा हाई थे, और शायद जो कुछ कर पाए हैं वो पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो काफी कम कर पाए शायद वो। ऑल राइट, तो मोर लाइक यू नो समबडी हु इज वेरी, सी वॉट आई हैव सीन इन माई लाइफ, नो पीपल हु आर श्योर अबाउट देम सेल्व, हु आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम सेल्व, नो वो कभी भी दूसरे को नीचा नहीं दिखाता, दे आर वेरी कूल एंड काम, उसको अटेंशन मिले नहीं अटेंशन मिले, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट यू नो यू कैन गेट एनी थिंग, नो अमाउंट, नथिंग एक्सटर्नल कैन ब्रिंग यू योर सेल्फ वर्थ, योर सेल्फ वर्थ कम्स फ्रॉम विद इन। तो इनको लगता है कि ये एम्परर ही इज नॉट गुड, देखो इनका इनका एटीट्यूड जो है वो एम्परर का है, तो इनकी जो टशन है ना वो एम्परर वाली है, बट एम्परर विदाउट दी एम्पायर, जो कि उनको भी पता है। ओके, तो एक अंदर में फ्रस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं, एक एक चीज कि मैं ये कर सकता था, मेरे में टैलेंट था लेकिन मैं कर नहीं पाया हूं, तो सम हाउ ट्राइंग टू अचीव हिज ड्रीम्स थ्रू सुम्बुल हिज डॉटर, मे बी वो भी हो सकता है, एंड दैट इज वाई प्रॉबली ही टेक्स सो मच इंटरेस्ट इन हर डॉटर्स करियर। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी इच्छाएं भी पूरी हो रही, आई मीन अपनी इच्छाएं पूरी होनी हो, बट यू नो दिस गाय वॉन्टेड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन हिज करियर, ही वॉन्टेड हिज एम्पायर एंड ही डजेंट हैज अ एम्पायर, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे चाहते ना चाहते हुए भी मे बी ही इज लिविंग हिज ड्रीम थ्रू हिज डॉटर, यू नेवर नो, बिकॉज दैट इज वॉट हैपन्स।
knowingly unknowingly it can happen any which ways but that is what is happening. और स्पिरिट गाइड्स का इनके लिए गाइडेंस क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर मैजिक. वी ऑल हैव मैजिक इन अस, इवन इन द मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. रिमेंबर दैट यू आर अ मैजिकल बीइंग. तो यूनिवर्स इनको क्या बोल रहा है कि यू नो यू डोंट लीव अ फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, यू नो हेटिंग योर सेल्फ और यू नो इट्स मोर लाइक यू नो हर्ट पीपल, हर्ट पीपल. वेन यू हर्ट, वेन यू हैव दिस लो सेल्फ एस्टीम, you throw tantrums and you pull everybody down around you. But when you are a happy person, जब आप एक खुशहाल person है, आपका self worth आपके empire से नहीं आता, आपके impala से नहीं आता, आपके mercedes से नहीं आता, आपके bmw से नहीं आता, आपके kingdom से नहीं आता, आपके अंदर से आता है. जो person आप हैं, जो values आप दुनिया में बांटते हो, जो help आप दूसरों को करते हो, उससे strength आता है ना. तो you will be a very calm and sorted person. You will not have to seek attention from the society and paparazzis, क्योंकि you are self assured person. लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी भी इनका emphasis, इनको लगता है कि empire नहीं मिला, तो अब क्या है, empire नहीं है तो इनको ऑल अनटूवर्ड एक्शन से अपने लिए अटेंशन अट्रैक्ट करना पड़ता है, समझ रहे हो, जो कि उनको नेगेटिव पब्लिसिटी देता है क्वाइट पॉसिबली. और यूनिवर्स का गाइडेंस है कि बी योर सेल्फ, बिलीव इन योर मैजिक. ओके, तो वो चीज है, मे बी वो काइंड ऑफ खुन्नस खाया हुआ इंसान, काइंड ऑफ नॉट हैप्पी विथ व्हाट ही हैज गॉट इन लाइफ. एनीवेज, अब सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड भी यहां पे है गाइज, और सेवन ऑफ सोर्ड हमें क्या बता रहा है? सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड उल्टा होके ये पैसे की तरफ फेस किया है किसने, तो आई थिंक मनी. देखो एम्परर, एक लाउड एनर्जी जो इस कार्ड से आप शायद फील कर रहे हो, या एटलीस्ट मैं फील कर रही हूं, कि दिस एम्परर वॉन्टेड हिज एम्पायर, जिसके लिए इसने काफी मेहनत भी की है. ओके, और इसी चीज का एक खुन्नस है, या फिर एक फ्रस्ट्रेशन है, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, नासूर बन गया है, समथिंग लाइक दैट. और मनी तो इस चाहिए यहां पे. ओके, गोइंग बैक टू मनी, ही स्टिल वॉन्ट्स टू बी एबल टू अर्न द मनी इन हिज लाइफ, ही स्टिल वॉन्ट्स हिज एम्पायर बाय हुक और क्रुक. तो यहां पे क्या थी एनर्जी, कि हमारा टशन है एम्परर वाला, हमारा एम्पायर होना चाहिए, मेहनत भी की है लेकिन चीजें वर्कआउट नहीं हुई इन सिंपल टर्म्स. पर क्या हुआ, अब तो एम्बिशंस तो था, पैशन एम्बिशन तो था, तो अब क्या है कि मोर लाइक यू नो काइंड ऑफ स्टिल ट्राइंग टू मेक हिज एम्पायर बट नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव वे मे बी. और यहां पे भी वो सोच रहे हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, यू नो ही इज काइंड ऑफ यू नो trying to understand how he can achieve his how can he create his empire basically. yahan pe ye empire aur yahan pe seven of sword in reverse yahi bata raha hai ki shayad empire banane ke liye you know he can take some kind of or rather say you know to make money, to make empire, to make his empire, that is all that is important for him. How you make it is probably not very important, might not be of that much consideration. To wo cheeze seven of swords ke sath yahan pe definitely thoda sa ek deceptive, doubtful, sneaky energy hai, theek hai, to wo cheez aa gayi. Still ambition hai, how should I reach out there, how can I reach out there, wants something for himself. yahan pe star ka card hai na, kaise yahan pe pahunch sakte hain apni jo ichhaye hain, kyunki five of pentacles money ka lack hai and he wanted an empire for himself. to aap dekh sakte hain ki ek different polarity hai, two different polar पोल्स पे है. एक फाइव ऑफ पेंटिकल्स में पैसे की अक्यूट प्रॉब्लम है और एम्परर के पास एम्पायर होता है, तो कितना डिफरेंस है. एंड इट्स लाइक हाउ कैन यू गेट इट. सो यहां पे मे बी यू नो काइंड ऑफ
देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स टू सक्सेस मे बी लाइक दैट. अब यहाँ पे एट ऑफ वॉन्स में क्या है, एट ऑफ वॉन्स इज लाइक मेक्स हिम वेरी एक्टिव, अगेन वेरी एक्टिव, लॉट ऑफ एनर्जी, मूविंग फॉरवर्ड, काफी ट्रैवल करते होंगे शायद ये, इनको ट्रैवल कर, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काफी आउटगोइंग है, बातचीत करने में काफी कंफर्टेबल है, एक्सट्रोवर्ट है, मीडिया वीडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको बात करने में, कम्युनिकेशन काफी ठीक होगा इनका एट ऑफ वॉन्स के साथ, और काफी आउटगोइंग है, ट्रैवल करना शायद उनको पसंद आता होगा, काफी एनर्जी होगी इनमें, काफी फायर इन द बेली भी होगा, ये सारी चीजें होंगी, फास्ट मूवमेंट एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हैं. बट या अपने आप पे शायद विश्वास कम हो गया है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, बिकॉज जो जितना अचीव करना चाहते थे शायद वो अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पाए हैं, तो एक तरह का जो अंदर में फ्रस्ट्रेशन है कहीं पे, और शायद यही फ्रस्ट्रेशन यू नो सामने में कभी कभी अंदर में दबी हुई चीज आ जाती है बाहर. और यहाँ पे देखिए रिसेंटमेंट भी है, रिसेंटमेंट किस चीज से होगा कि ऑफकोर्स मैंने मेहनत की, टशन है एम्परर वाली, और एम्पायर जब हम नहीं बना पाए हैं तो रिसेंटमेंट है किससे, अपने आप से, अपने आप से, और ऑफकोर्स अपने गॉड से, ये भी बोल सकते हो आप. क्यों? क्योंकि जो चीज चाहिए थी, डू यू सी दैट ही इज ऑलवेज सीइंग समवेयर, जहां वो जाना चाहते थे, वो कहां जाना चाहते थे, वो यहां पे अपनी ड्रीम्स को अचीव करना चाहते थे, और यहां पे भी वो उसी को देख रहे हैं, यहां पे भी वो उसी को देख रहे हैं, तो एक एम्बिशियस एनर्जी आ रही है, और जब एम्बिशियस एनर्जी है और उसकी एक कसक अभी भी है, तो इट इज नॉट रेयर टू सी यू नो सच पीपल, ईगो का भी कार्ड है, इट इज नॉट रेयर टू सी सच पीपल यू नो लिविंग देयर ड्रीम्स थ्रू देयर चिल्ड्रेन. तो क्योंकि हमने सुंबुल की बहुत सारी रीडिंग्स की है, तो अब मुझे समझ में आता है पर्सनली कि वाई सुंबुल इज सो एम्बिशियस, वाई सुंबुल इज एम्बिशियस ऑन द सरफेस लेवल. क्योंकि अंदर में तो वो क्वीन ऑफ कप्स होना चाहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहती है, एक केयरफ्री लाइफ लाइक अ बेबी लिव करना चाहती है, जहां पे एक अच्छा पार्टनरशिप हो उसका, वो केयरफ्री हो जाए, वैसी लाइफ वो लीड करना चाहती है. लेकिन लीड लाइफ वो कैसी करती है, वो एक एम्बिशियस वुमन की लाइफ लीड करती है, पर अंदर में वो क्वीन ऑफ कप्स की लाइफ लीड करना चाहती है, जहां पे कोई एक किंग ऑफ कप्स हो उसका टेक केयर करने के लिए. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि वो दो एनर्जी, दो लाइफ क्यों लीड करती है. सामने में वो क्वीन ऑफ वॉन्स की एम्बिशियस लाइफ लीड करती है, जो कि उसके फादर की एम्बिशन है. यू अंडरस्टैंड, नाउ यू अंडरस्टैंड द होल रिग्मरोल ऑफ थिंग्स, ये जो पूरा एल्केमी चल रहा है अंदर में, लेयर्स में क्या 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 चल रहा है. और इम्पॉर्टेंटली आज हमें पता चल रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्स की जो वो जिंदगी जीती है ऑन द सर्फेस, वो कहां से उसकी एनर्जी आ रही है, वो उसकी एनर्जी उसके पैटर्नल साइड से आ रही है. दिस इज द एम्बिशन ऑफ अ फादर, और शायद इसीलिए वो एक पैर पे खड़े होके भी फाइट करती है, यू नो, बिकॉज दिस इज वॉट विल मेक हर फादर प्राउड. एंड वाई विल दिस मेक हर प्राउड फादर प्राउड, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट ही वॉन्टेड फॉर हिमसेल्फ, राइट, ही वॉन्टेड हिज ओन एम्पायर, हिज ओन एम्बिशंस, तो वो अचीव तो नहीं कर पाए हैं. क्लियरली यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे रिसेंटमेंट है, यहाँ पे अपनी मैजिक पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारा स्ट्रगल है. वो जो ड्रीम कर, ये एम्पायर एम्परर अचीव करना चाहता था, वो अचीव नहीं कर पाया है. तो नाउ ही इज लिविंग हिज ड्रीम थ्रू हिज चिल्ड्रेन और वट एवर. एंड क्योंकि यहाँ पे चाइल्डहुड, चाइल्ड दिस होल थिंग है, एक चाइल्ड का ट्रॉमा है, सेपरेशन है पेरेंट्स का, तो वट इज द बेस्ट वे फॉर द चाइल्ड टू कीप हर फादर टुगेदर और यू नो मेक हर फादर हैप्पी. क्योंकि उसके फादर का हैप्पीनेस है एम्बिशन, सक्सेस, एम्पायर बेसिकली, एंड दैट इज वाई शी इज लाइक आई वॉन्ट टू बिल्ड एन एम्पायर, आई वॉन्ट टू बिल्ड एन एम्पायर. एंड आई वॉज लाइक वाई दिस एनर्जी कीप्स कमिंग इन, आई वॉन्ट टू डू समथिंग. सो दिस इज, आई मीन इट इज नॉट एनी बडी वॉन्ट्स टू बी एम्बिशियस, बट यहां पे एम्बिशन अगेन एक फियर से आ रहा है. इट इज यहां पे एम्बिशन का दो चेहरा है,
यहाँ पे पर्सनालिटी की दो, पर्सनालिटी का दो चेहरा है सुंबुल का. एक है केयरफ्री रहना, बच्चे की तरह बी लाइक अ बेबी एवरीबडी, यू नो मे बी यू नो समबडी अ पार्टनरशिप वेयर शी इज टेकन केयर ऑफ. लेकिन फिर सामने में ये क्वीन ऑफ वॉन्स कहां से आ जाती है डूइंग द ऑल द फायर फाइटिंग, बिकॉज शी इज लिविंग हर लाइफ द वे समवन वॉन्ट्स हर टू लिव हर लाइफ. दिस पर्सन हैज हिज ओन थिंग. अब यहां पे देख रहे हो कि ये पिताजी का ब्लॉकेजेस क्यों आ रहा है. पिताजी चाहते थे एम्परर बनना पर एम्पायर नहीं है. अब इनके अपने ब्लॉकेजेस हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, रिसेंटमेंट है. तो अब देख रहे हो कि इनकी भी अपनी रिसेंटमेंट है, ये अपने आप पे ही विश्वास नहीं करते, इनका अपना ईगो भी है. तो अब ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको तो खुद ही एक अपने हीलिंग की जरूरत है. सो यू सी हाउ द टू थिंग्स बिकम सो कॉम्प्लेक्स एंड द वे इट इज प्लेइंग आउट. सो दैट इज वॉट इट इज गाइज. So thank you so much guys. I've been talking long. I hope this gets you some information and I will see you again. Take care and bye for now.